थाना रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र के पुराना गांव निवासी सागर कोल 25 मार्च की शाम 6 बजे से लापता है। बताया जाता है कि पुलिस की गाड़ी उसके घर से उसे उठा लेकर गई थी। परिजनों ने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसके अन्य 4 साथी भी लापता है। परिजन भागते हुए रायपुर करचुलियान थाना पहुंचे, जहां से किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली तो परिजन शहर के सभी थानों की खाक छान डाले, लेकिन बच्चों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। एकत्र ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस के द्वारा ना तो बच्चों की तलाश की जा रही है और ना ही ये बताया जा रहा है कि उन्हें किस जुर्म में पुलिस उठा कर ले गई और कहां रखी है। लापता युवक पुराना सरपंच प्रभु कोल का बेटा बताया जाता है, जो कि अपने परिवार के लोगों के साथ बेटे की तलाश करते हुए किसी के द्वारा अपहरण करने का आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनाते हैं परिजनों का लापता युवक के संबंध में क्या कहना है। ये किस प्रकार से लापता है? हमारे भाई लोग मैहर गए थे, मैहर से गाड़ी आ रही थी ट्यूबी 300 और 9594 नंबर है गाड़ी का, और ये चौराहा थाना में पकड़ी गई है। मतलब वहाँ ओवरटेक किए थे, किसे पता नहीं क्या कैसे, उस गाड़ी का कुछ नहीं है। मैं चौराहा थाना जाके रिपोर्ट करवाई, मतलब पता चला कि ये किसी मतलब क्रेन से उठवाया गया है, इधर किसी अज्जत हालत में पड़ी हुई थी। और उसके बाद भाई लोग 2 बजे घर आए, उसके बाद घर से निकले, दो लोग निकले थे चिरहुला के लिए, रूम में रहते थे, रूम से मतलब इनको उठाया गया है, अभी तक कुछ भी पता नहीं है। समथिंग 7 बजे उठाया गया था, हम लोग 7 बजे से पता कर रहे हैं, समथिंग हर थाने में पता कर चुके हैं, विश्वविद्यालय हो गया, चिरहुला हो गया, मतलब कंट्रोल रूम हो गया, मतलब हर थाना हो गया, किसी थाने में कोई इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ है। अगर पुलिस अपने उसमें रखती भी है तो ये तो बता सकती है परिजन को कि मतलब 24 घंटे कोई हाइड नहीं रख सकता है। आपके भाई को कहाँ से पकड़ा गया है? चिरहुला कॉलोनी। और बाकी जो लोग लापता है वो पुरैना से पकड़ा, इनको पुरैना से उनके घर से पकड़ा गया है, 2 लोगों को, और बाकी इनको चिरहुला से पकड़ा गया है। बाकी सभी लोग साथ ही में थे, एक साथ थे। अब वही तो शंका हो रही है कि मतलब इनको सबको आगे पीछे उठा रही है इन, मतलब दो को, पांचों लोग दोस्त ही हैं। हाँ, पांचों लोग दोस्त ही हैं, पांचों को उठाया गया है, और गाड़ी सिविल में थी, जो पुलिस भी थी सिविल में थी। मैहर घूमने पांचों लोग गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैहर से आने के बाद घर गए हैं, घर से आने के बाद कल शाम की ये घटना है। 7 बजे के बाद किसी का कोई फोन ना लग रहा है, ना कोई मैसेज, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मतलब हम लोग भटक रहे हैं इस थाने से उस थाने, हम लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं पता। SP ऑफिस में भी आवेदन दिया गया है, तब भी कुछ नहीं हुआ, मतलब समथिंग 2 से 3 घंटे SP ऑफिस से आए हुए हो गया, लड़का पकड़े गए। हाँ, और अभी भी कुछ पता नहीं है, हम लोग सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं कि ये कहाँ से क्या। अब वो बोलते, अगर कंट्रोल रूम आते हैं बोलते हमारे यहाँ नहीं है, विश्वविद्यालय जाते हैं बोलते हमारे यहाँ नहीं है, किसी भी थाने में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बताइए हम लोगों को बस कब से लापता हुए हैं? ये कल 7 बजे से पते हैं। ये कैसे आपके लड़के लापता हुए, क्या है? सर, शाम को 6 बजे पता चला बुलोरो गाड़ी आई, बुलोरो गाड़ी में 2 खाकी वर्दी में थे, 4 विदाउट टिकट थे, ड्रेस में थे। वो लोग बच्चों को, पहले इनके बच्चों को चाहे, फिर मेरे बच्चों को चाहे, और उछा कर ले आए। अब उनको मैं कल से रात में ढूंढ रहा था, मुलाकात नहीं हुई, जानकारी नहीं हो रही है, ना आज भी जानकारी नहीं हो पा रही अभी तक, क्योंकि हम उनके अभिभावक हूँ, पिताजी हूँ, मैं सर्विस करता हूँ इस फार्म पौड़ी मैहर में, मैं पदस्थ हूँ। मेरे वॉइस मैडम के द्वारा जानकारी हमको प्राप्त हुई कि बच्चे हमारा लिंकु विकास टुकड़ा नहीं है, कहाँ गया। तब से हम लोग कल से रात सारी 11-12 बजे रात तक ढूंढा, आज सारा दिन ढूंढते ढूंढते थक गए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। गाड़ी हमारी FZ MP। कुछ जानकारी मिली, कहीं गए आप ढूंढने थाने में? थाने में गए, थाने में कोई भी नहीं, थाने के अंदर गए, लाका खुला हमको मिलता है, थाने में कोई आदमी नहीं मिलता। किस थाना क्षेत्र से आए, कहाँ हैं आप लोग? रायपुर थाना हमारा लगता है। जानकारी अभी तक कुछ नहीं मिली, किस थाने में? रीवा के अंदर जितने थाने हैं, समान थाना, सिटी कोतवाली, सिविल लाइन, चौराहा थाना, किसिया थाना, सारे थानों को मैं देख चुका। कुल कितने लड़के गायब हैं? लड़के हैं करीब 4 5 5 लड़के जी, लगभग 5-6 है। वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किए हैं आप? सभी लोगों से किया, तो सभी लोग यही कहते हैं कि क्यों तुम्हारा लड़का किस काम में गया, कहाँ गया, मेरे को मालूम नहीं है, और ये करो। मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, गाड़ियाँ खुदिया देकर भगा देते हैं थानों में, हर थाने जाते हैं, हर थाने वाले यही बोलते हैं, फिर बोलते हैं चलो लॉकअप देख लो, लॉकअप देखते लॉकअप खुला भी लगता है। गाड़ी जो सफ़ेद कलर की गई थी उसमें गाड़ी का नंबर नहीं था, न आगे नेम प्लेट लगा था, ना पीछे लगा था।
अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हमको जानकारी तो हो जाए कि किस थाने में कहाँ है लड़के, थाने के अंतर्गत में है, पुलिस के अंदर में है कि किसी अपहरण के में है, कोई दुश्मन चोर दफंगे कोई लिए है, ये चीज़ को हमको जानकारी प्राप्त हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाए। हमारे घर के परिवार जो छोटे बच्चे और उनकी माँ भाई परेशान हो रहे हैं, वो सब को शांति तो कम से कम हो जाए।